दो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। पंडित चंद्रलाल मिश्रा का बचपन का एक किस्सा। एक बार वो नहाने चले गए बिना बताए घर पे नदी में, तो उनके पिताजी जब आए उन्होंने पिटाई करना शुरू किया, तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा सिवाय यही कहा कि अगर तुम डूब जाते तो गायक कैसे बनते। वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि डर था कि हार्ट टूट गया तो बजाऊंगा कैसे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये डर नहीं है कि हार्ट टूट गया तो मेरे मेरा फिजिकल क्या नुकसान होगा, वो तो सेकेंडरी है या शायद और बाद में। पहला डर इस बात का है कि बजाऊंगा कैसे, वही उसी पे याद आ गया। और दूसरा राजन साजन जी में, राजन जी कहते थे, हालांकि राजन जी दुर्भाग्यपूर्ण अब नहीं रहे हमारे बीच, कि संगीत सीखने वाला आदमी कभी अपराधी नहीं हो सकता। ये भी बात बहुत सच है। संगीत अगर उसने संगीत सीखा है तो वो कुछ भी कर सकता है, अपराध नहीं कर सकता। और मुझे लगता है पिछले 2-2.5 सालों में अश्विन जी कुछ नहीं तो मैंने 250-300 शायद इससे ज्यादा ही, मतलब मैं अभी तुरंत जोड़ नहीं पा रहा हूं उतनी तेजी से, जितने कलाकारों से मैंने बात की है अब तो मुझे लगता है कि ये बात पूरी दुनिया को समझनी चाहिए, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को समझनी चाहिए कि जो हमारा आचरण है, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें म्यूजिक का रोल क्या है। अगर हम म्यूजिक सिखाएं तो क्या हम समाज में जो तमाम विसंगतियां हैं, जिसमें अपराध है, जिसमें तमाम सारी चीजें हैं, क्या हम उससे अपने आने वाली पीढ़ी में बच्चों को बचा सकते हैं। ये एक बहुत नई और बहुत फ्रेश डिबेट हो सकती है जिसको समझाने की जरूरत है आम लोगों को। खैर, बिल्कुल नहीं, ये तो बात हम लोगों में भी बात होती है। मैंने निलाद्री भाई से भी जब बात किया था या कौशिकी जी से बात की, तो हम लोगों में ये मत तो है कि एकेडमिक में, मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में म्यूजिक को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, अगर साउथ इंडिया है तो कर्नाटिक म्यूजिक और नॉर्थ है तो फिर हिंदुस्तानी संगीत को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया दिया जाना चाहिए। यदि मैं ये मानता हूं कि हर हर व्यक्ति सुरीला नहीं हो सकता, कि पैदाइशी सुरीला हर आदमी नहीं होता, पर उसके थियोरी के अंडरस्टैंडिंग से जो फिलोसॉफिकल ज्ञान जो मिलता है और उससे जो कल्चर हमें जागरूक होता है उसके अंदर से, एडिशनल जो चीजें होती हैं, वो बहुत सारा कुछ अपने पर्सनालिटी में उस चीज को बदलाव अच्छे तरह से बदलाव लाया जा सकता है उससे। ये तो गारंटी है, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं ये नहीं कि मैं म्यूजिशियन हूं और मुझे बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज कॉमन सेंस मेरे हिसाब से, बीइंग ए म्यूजिशियन। मैं ये खुद से मैंने अनुभव किया है इस चीज को, और मेरे आसपास के लोगों में मेरा बचपन का दोस्त अभी भी मेरे बहुत खास हैं, काफी सालों से मिले नहीं, पर उस टाइम पे वो एकदम कर्ण कठोर, एकदम जीरो, टोन डेफ, पर मेरे साथ रह रहे के ना उसके अंदर पर्सनैलिटी की चेंज आई। वो रिदम में बहुत स्ट्रांग होने लगा था एक तरफ, वो तो म्यूजिकली चेंज हो रहा था, पर उसमें एज अ ह्यूमन वो चेंज होते गया। और उसने बताई भी ये बात कि यार ये आई वॉज नॉट लाइक दिस, मैं शायद पहले चीटिंग करता था एग्जाम में, या अब मेरा मन नहीं करता ये चीज करने का। सो वो जो बदलाव है वो शायद म्यूजिक की वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बट वो मेरे जरिए म्यूजिक की वजह से हुआ है। So, ये मैं बहुत मतलब इसमें कोई संकोच ही नहीं है, कि डाउट ही नहीं है कि ये तो है ही बात सच आपकी। मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में म्यूजिक होना जरूरी है, क्लासिकल म्यूजिक, ये बाकी नहीं, क्लासिकल म्यूजिक एक हद तक फोक होना चाहिए, फोक की कल्चर जो जहाँ जहाँ लोकल स्कूल्स हैं उस प्रांत के जो लोक संगीत है वो भी होना चाहिए। और अगर सीरियसली म्यूजिक सीखें तो हमें कहा जाता है कि हर चीज सीखनी चाहिए, कि गाना भी सीखो, वाद्य भी सीखो और ताल भी सीखो, ताल वाद्य भी सीखो, ताकि तीनों का संपूर्ण ज्ञान एक पद बनता जाए। और जो भी आप आपकी चॉइस हो, अगर आप गायन चॉइस कर रहे हैं या वादन चॉइस कर रहे हैं तो, या तबला चॉइस कर रहे हैं, तो आपको बाकी दोनों डायमेंशंस का ज्ञान होता है। उससे अलावा पोएट्री सीखना बहुत जरूरी है। पोएट्री हमारी लिटरेचर और जितनी भाषाएं हम सीख सकें वो भी जरूरी है। मैं खुद 7 भाषाएं बोलता हूं, उससे मेरे अंदर जो पर्सनालिटी की, जो मेरे अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, मैं बहुत बड़ा श्रेय उसको देता हूं कि मेरे लैंग्वेज के नॉलेज की वजह से वो हुआ है। सो ये दोनों चीजें, पोएट्री और लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है। लैंग्वेज पहले फिर पोएट्री, ऑफकोर्स लैंग्वेज आए तो फिर पोएट्री भी आ जाएगी, पर ये बहुत जरूरी है। साहित्य, कविता, मोर इम्पॉर्टेंटली साहित्य तो है, कविता, पोएट्री जरूरी है, बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा आपने जो अभी बात कही है कलाओं के अंतर संबंध पर,
जाकर बात होती है कि क्या इंटर रिलेशन है। अगर आप डांस कर रहे हैं और अगर आपको साहित्य मीरा या तुलसी या सूर ज्यादा समझ में आता है तो आप कैसे बेहतर एक नृतक हो सकते हैं, या अगर आप कुछ ऐसा बजा रहे हैं जिसमें आपने तमाम सारी चीजें हैं, चाहे वो गीत गोविंद हो, चाहे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। बेसिकली म्यूजिक इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेस किस चीज को करते हैं, भावनाओं का एक्सप्रेशन करते हैं। बिल्कुल, भावनाएं आती हैं सोच से, सोच में शब्द पाए जाते हैं, शब्दों में कविता पाई जाती है। अगर आप में पोएट्री नहीं समझ आती तो आप म्यूजिकली उस चीज को कैसे व्यक्त करोगे। और पोएट्री, मैं वो क्लासिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री की भी बात नहीं कर रहा, उससे उसके सबटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि पोएट्री किसी भी चीज में हो सकती है। एक बहुत पहले मैंने देखा था, मोहम्मद अजहरुद्दीन बैटिंग करते थे, उनकी जो लेग साइड जो रिस्ट फ्लिक होता है, बिल्कुल, उसमें कमेंटेटर ने बोला दैट इज पोएट्री इन मोशन, वहां पोएट्री है। सो किसी भी चीज में पोएट्री पाई जा सकती है, अगर सबटेक्स्ट उसकी खूबसूरती। मैं बोलर था, मैं मुझे बैटिंग नहीं आती थी, मैं बोलर था, और वो आउटस्विंग उसमें एक पोएट्री है, उसकी लाइन एंड लेंथ में एक पोएट्री है, या कट होके जब रिवर्स स्विंग होती है बॉल तो उसकी एक पोएट्री है, जब स्टंप को ना लग के एक जाती है, बीट होता है बैट्समैन, उसमें एक पोएट्री। ये चीज जिसको क्रिकेट समझ में आए वो शायद इस चीज को पा ले। तो पोएट्री हम हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में, किसी ना किसी चीज में हम देखते ही रहते हैं, पर उसको शायद पहचान नहीं सक रहे। सो वो जो पोएट्री, कोई चीज अच्छी क्यों लगती है, फिल्म देखी यार बहुत ही घटिया फिल्म, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उसको पोएट्री मिसिंग लगी होगी, पर वो कॉन्शियसली उस चीज को जान नहीं पा रहा है। ये उस पोएट्री की बात कर रहा हूं मैं। म्यूजिकली किसी का म्यूजिक परफॉर्मेंस अच्छा क्यों लगता है, सिर्फ धुरंधर गायकी बजाने में वाह 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 वाह, ये तो टैलेंट हंट शोज के जरिए हो चुका है कि किसी ने हरकत ले ली या बड़े तान या ऊंचे सुर में गा दिया तो सारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, वो तो ठीक है, पर पोएट्री का एक अच्छे एक प्योर एक इवन 30 सेकेंड्स आलाप में जो मजा आ सकता है, आदमी को जो भावुक कर सकता है, रुलाएं आवश्यक नहीं है, पर किसी भी तरह से अगर उसको भावुक भावनाएं उसके अंदर पैदा कर सकता है, वो पोएट्री वहां पाई जानी चाहिए। और उस पोएट्री की समझ किसी ना किसी तरीके से हमें स्कूल लेवल पे हमें बताना चाहिए, बिकॉज बच्चों को वो कल्चर उस उम्र में नहीं दिया जाए तो आगे जाके शायद वो ना पाए। बहुत कम लोग हैं जो आगे जाके उसकी उत्सुकता रखते हैं जानने की, और यू नो दे वांट टू लर्न अबाउट इट। अरे मुझे अचानक क्लासिकल, मैं 40 साल का हो गया, मुझे अचानक क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है मुझे समझ में नहीं है। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बचपन में ही अगर उस चीज की, अगर आप उसमें हल्का फुल्का भरते जाएं जिस तरीके से बाकी सब कुछ करते हैं हम, साइंस अच्छी नहीं भी लगे, केमिस्ट्री अच्छी भी नहीं भी लगे, तब भी हमें जबरदस्ती सिखाया जाता है, तो म्यूजिक क्यों नहीं। और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आगे जाके हमें समझ में आ ही जाती है, खाने में नमक डालो उसमें केमिस्ट्री है, नहाने के साबुन में केमिस्ट्री है, केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री है, इस वजह से ये साफ हो रहा है आजकल ये कोविड के टाइम पे, हैंड सैनिटाइजर में केमिस्ट्री है, हर चीज में केमिस्ट्री। लेकिन उस समय नहीं समझ में आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, पर आज वो काम आ रहा है, तो म्यूजिक भी काम आने वाली चीज है। सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल गया, पर ये जरूरी है। नहीं, मैं आपको देखिए एक सिमिलरिटी आपको मैंने बताई थी 99, अब दूसरी बता देता हूँ ताकि जिससे मेरा भी एक खुलासा हो जाए कि आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मैं मूलतः क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं और 2003 से लेकर और अब तक मैं लगभग 30-35 विदेश यात्राएं भारतीय टीम के साथ की हैं, 3-4 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, 2 ओलंपिक्स कवर किए हैं, बहुत सारा, तो जीवन मेरा भी खेल के ही इर्द गिर्द है। मेरे ख्याल से आपके जीवन में इस बात के लिए आपको खास प्रणाम। मैं भक्त हूं, क्रिकेट का भक्त हूं मैं, तो क्रिकेट और क्रिटिक लगभग वर्ड प्ले है, तो आपको दोनों चीजों के लिए नमन। तो वो और दूसरी चीज जो मेरी संस्था है, जिस संस्था के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं रागगिरी अश्विन, हम लोगों ने जब ये संस्था शुरू की थी, मेरा म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में काम करते रहे जी। और जो बात अभी आप कह रहे थे, आपको याद होगा सारेगामा में बहुत सालों पहले एक सेगमेंट होता था जिसमें वो एक गाने की ताल चेंज करते थे जी, कहते थे कि अब इस ताल पे गा के बताइए जी। तो वो मुझे गाना भी याद है, वो गाना मेरे ख्याल से शाहरुख खान की फिल्म का था, अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना, उसका उन्होंने ताल चेंज किया और सबकॉन्शियस से मेरे से वो अपने आप, मैंने वैसे ही गाया जैसे वो वहां पे कंटेस्टेंट ने गाया।
तो मुझे लगा कि नहीं मैंने सीखा नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन मुझे म्यूजिक थोड़ा बहुत सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो फिर ये प्रयास शुरू किया कि क्यों ना इस देश में हर बच्चे को बताया जाए कि भैया शास्त्रीय संगीत है क्या, और उनको उनके तरीके से बताया जाए, उनको उनके लेवल पर जाकर बताया जाए, छोटे बच्चे को ये बताया जाए कि जैसे तुम छोटा भीम कार्टून देखते हो वैसे हमारे देश में एक बड़े भीम है और उनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी। जैसे आप शोले में जय और वीरू को देखते हो वैसे हमारे पास राजन साजन जी हैं, 50 साल तक एक साथ गाते रहे। बिल्कुल। जैसे जैसे हम इस तरह के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देकर उनको बताएं कि वो बोर होने की बजाय, या एमएस का मतलब सिर्फ एमएस धोनी नहीं है, एमएस का मतलब एमएस सुब्रलक्ष्मी जी हैं। तो ये तरीके से हमने शुरू किया, और यकीन मानिए आज सबसे ज्यादा अगर कुछ मुझे लगता है कि इस संस्था ने अचीव किया है तो आप जैसे कलाकारों का प्यार। पिछले साल नेशनल बुक ट्रस्ट से मैंने 4 कॉमिक्स लिखी बच्चों के लिए, 9 साल से 14 साल के बच्चों के लिए 4 कॉमिक्स लिखी, और कॉमिक्स का विषय पहले तो पृष्ठभूमि, मुझे लगा अमर चित्र कथा अगर हो सकती है तो फिर बच्चों की कॉमिक्स में भीमसेन जोशी क्यों नहीं हो सकते, बच्चों की कॉमिक्स में उस्ताद बिस्मिल्ला खान क्यों नहीं हो सकते, उस्ताद उसके अलावा एम एस सुब्बलक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती, या फिर पंडित रविशंकर क्यों नहीं हो सकते। यानी वो 4 कलाकार जो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत के नाम पर भारत रत्न हुए। तो ये 4 किताबें छप चुकी हैं। क्या बात है, छप चुकी हैं, इसका बंगाली अनुवाद, इसका उड़िया अनुवाद, चूंकि नेशनल बुक ट्रस्ट से है तो अनुवादों पे काम चल रहा है, तो मजा आता है इस तरह का काम करने में। खैर बढ़िया, बहुत ही आपने ज्यादा बोला, वैसे मैंने भी ज्यादा बोल लिया, तो अब मुकाबला एक एक से बराबरी पर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।